नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस बात पे हालांकि आप लोग ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी जान लेना ज़रूरी है कि आप कहीं से भी किसी भी देश से, इंडिया से, जैसे आप दुबई में जाते हैं काम करने के लिए, तो एक एक्ट बना हुआ है दुबई का लेबर लॉ 1980 एक्ट, जी हाँ, उसमें अनुच्छेद 8 में धारा 37 यानी 37 में ये प्रावधान किया गया है कि भाई ट्रेनिंग के दौरान, देखिए, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की हो सकती है, जी हाँ, उससे कम भी हो सकती है 6 महीने से, लेकिन 6 महीने तक अगर होती है तो उस दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरत है, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में मैं बता दूं, 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड होता है, वीजा आपका लग चुका हो, उस दौरान अगर आप बीच में काम छोड़ देते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है जी, उस दौरान आपका 6 महीने आप काम किया, आपको जो आपका अंतिम सेवा बोनस है, जिसको ग्रेजुएटी बोनस बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा। उस दौरान बीमारी में आपने छुट्टी की है, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान की मैं बात करूं तो, जी हाँ, ये काम बता रहा हूं 6 महीने से पहले छोड़ने देने पे, जी हाँ। इसमें बताया गया है कि दुबई का जो लेबर लॉ 1980 की धारा 37 अनुच्छेद 120 के अनुसार कंपनी को सूचना देना भी जरूरी नहीं है, जी हाँ। कंपनी इसमें एक टॉपिक आगे मेन टॉपिक में बताऊंगा, कंपनी को सूचना देना इसमें कोई ज़रूरत है। इस्तीफा देने के लिए बता दूं, अनुच्छेद 116 में आपको एक महीने पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए, जी हाँ, वो नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है, बिना नोटिस दिए आप काम कंपनी में छोड़ सकते हैं, जी हाँ। लेकिन इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि भाई 6 महीने से पहले अगर काम छोड़ते तो आपको कुछ मुआवजा देना पड़ेगा कंपनी के लिए, जी हाँ। कई बार आपने सुना होगा ना कि भाई कंपनी वीज़ा का पैसा मांग रही है, ये वही मुआवजा है। हालांकि कई कंपनियां बहुत कम हैं जो आपको 6 महीने से पहले जाने देती हैं, वरना वीज़ा का पैसा लगता है भाई, और लोग भुगतान करते भी, उनकी मजबूरी हो जाती है। अनुच्छेद 121 में जो प्रावधान है कि भाई नोटिस की, भाई आज आपने नोटिस दिया है उसके एक महीने बाद आप काम छोड़ सकते हैं, 40 दिन बाद काम छोड़ सकते हैं, उस टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा, ये इसमें छूट दी गई है, जी हाँ, बिल्कुल इसमें छूट है, बिना आप नोटिस दिए, बिना सूचना दिए आप काम छोड़ सकते हैं, जी हाँ। अनुच्छेद 83 में ये बातें भी बताई गई हैं कि भाई नोटिस के दौरान आप अगर बीमार हो जाते हो तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिना सैलरी के ही आपको ड्यूटी, बीमारी के दौरान आप रहते हैं तो आप, वो ड्यूटी आपकी काउंट होगी लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस आपको ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यही आती है भाई, ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं, कंपनी उनके डंडा दे देती है एक तरह से, जी हाँ, आपको भी पता है, कंपनी की धमकी देना, ब्लैकलिस्ट कर देंगे, पासपोर्ट, मेन पासपोर्ट की होती है, क्योंकि वीज़ा आपका लग चुका होता है, आप ट्रेनिंग में काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ट्रेनिंग प्रिपरेशन पीरियड मतलब आप पक्के नहीं हुए हैं, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो पक्के नहीं हुए हैं, कच्चे हैं। जैसे आर्मी में, फौज पुलिस में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, तब तक तनख्वाह भी उनकी कम होती है, उसके बाद में वो पक्के हो जाते हैं, फिर उनकी सैलरी भी डबल हो जाती है। यहाँ पे सैलरी का तो कोई चक्कर नहीं है, ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कई कंपनियाँ सैलरी कम देती हैं और उसके बाद में कहते हैं ना कि 6 महीने बाद तनख्वाह बढ़ा देंगे आपको, वो सिस्टम सेम इसी में होता है। ट्रेनिंग में आप परफेक्ट हो जाते हैं, अच्छा आपको काम आने लग जाता है तो फिर आपकी तनख्वाह कंपनी बढ़ा देती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपको काम छोड़ते हैं, आप कंपनी को नोटिस भी नहीं दोगे, आप कंपनी को पैसा भी दे दोगे, फिर भी कंपनी नाटक करती है पासपोर्ट का, क्योंकि पासपोर्ट कंपनी के कब्जे में हो, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। जबकि लेबर लॉ ये बोलता है साफ साफ, इंटरनेशनल संधि में भी ये बातें हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में अदर कंट्री के साथ इंडिया की जो संधि है, कि भी पासपोर्ट वर्कर के पास रहना चाहिए, लेकिन बता दूं 99% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं रहता, 1% वो लोग हैं जो हाई वाइट कॉलर के जॉब में अच्छी पोस्ट पे हैं, जैसे मैनेजर हो गया, जिनकी सैलरी अच्छी पोस्ट है, वो पासपोर्ट उनकी जेब में होता है, उनके पास होता है, बाकी सबका पासपोर्ट कंपनी में होता है, इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। बाकी आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।